वेलकम टू अलीजा फूड। आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स दाल। उसके लिए मैंने लिए हैं चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल। मैंने इनको एक ही क्वांटिटी में लिया है, हाफ ऑफ कप। अब मैं इनको 20 मिनट के लिए भिगो दूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम दाल बनाएंगे। उसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं: 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून हल्दी। हम पैन में सबसे पहले दाल डालेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लाल मिर्च, नमक और हल्दी। और हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि दाल गल जाए। जितनी देर में हमारी दाल तैयार हो रही है, मैं आपको कचूमर की रेसिपी बताती हूँ, जो कि हमारे घर में दाल के साथ खाया जाता है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, जो मैंने इस शेप में काट लिया है, और प्याज को मैंने नमक लगा के 20 मिनट के लिए रख लिया है। 2 अदद नींबू का रस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और 1 अदद हरी मिर्च। 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने प्याज को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें तमाम इंग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पिसा हुआ जीरा डालेंगे और हरी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। कचूमर रेडी है, अब हम देखते हैं कि दाल हमारी तैयार हो गई है या नहीं। दाल भी तकरीबन तैयार है, अब हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। अब हम तड़का लगाने लगे हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 अदद प्याज, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टी स्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टी स्पून गरम मसाला और 1 प्याली ऑयल। पैन में ऑयल डाल लिया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हम दाल में काली मिर्च डालेंगे, सवा जीरा और गरम मसाला। तड़का डालेंगे, मज़ेदार मिक्स दाल तैयार है। आप इसे कचूमर के साथ खाएं, बहुत लजीज लगती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।